हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनको कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है. वी हैव टू डिराइव द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. काफी इंपॉर्टेंट रहता है बेटा ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. स्कूल लेवल पे जो टीचर्स होते हैं वो इनको एग्जाम में हमेशा देते ही हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे. और कल जो मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था, एक बार आप उसकी वीडियो जरूर देखिएगा. उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा. और ठीक है, आज की वीडियो भी आपको यूट्यूब लिंक में पहुंच जाएगी, तो आप दोनों वीडियो देखेगा. दोनों वीडियो देखने के बाद आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगे. ठीक है, चलिए. तो जैसे आपको पता है कि न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी, और उन तीन इक्वेशंस के थ्रू क्या गया था, हर चीज हम प्रूव कर सकते थे, हर चीज को हम फाइंड आउट कर सकते थे. और ये तीन इक्वेशन ऐसा नहीं है कि गलत हो गई थी, ये तीन इक्वेशन अब भी सही है, पहले भी सही थी और आगे भी सही रहेंगी. ठीक है, ऐसा कोई फेलियर नहीं है. ईशा चौधरी एग्जाम बेटा सबको मैं नोटिफाई कर देता हूँ. वैसे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, एग्जाम के बारे में बात बताएंगे. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी. ऐसे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होती है, सेकेंड इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड द थर्ड इक्वेशन इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. ये जो हमने तीन इक्वेशन लिखी है, इनको हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे, जो न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी, उन तीनों इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. जो न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी, इन तीनों इक्वेशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज टू बी रिमेन कांस्टेंट, वो फिक्स होता है, ना तो वो बढ़ता है ना वो घटता है, वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन समझेंगे. किस तरीके समझेंगे, देखिए जैसे हमें पता है, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करते हैं. डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब देखिए किस तरह से डेरिवेशन कर रहे हैं, समझ लेंगे सामने बोर्ड पे. हमने मान लिया है कि एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में. एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, अब सपोज टू बी से हमने उसे ए पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू करा. हमने उसे क्या करा, ए पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा. उस ए पॉइंट पे लेट अस सपोज टाइम जीरो है. यहां पर टाइम कितना है, जीरो है. और यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू. ठीक है, यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू. और टाइम कितना है यहां पर, जीरो. और यहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी जीरो है, क्योंकि अभी तो उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं करा. हमने तो ए से देखना स्टार्ट करा है ना, तो हमारे लिए तो कोई डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं. अब वो आगे बढ़ता रहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और हमने उसे बी तक ऑब्जर्व करा. बस हमने उसे बी तक ऑब्जर्व करा. बी पर जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज बी, वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है.
हमें नहीं पता कि वो वेलोसिटी क्या होगी, क्या वो आगे जाके ब्रेक मान लेगा या आगे जाके अपनी स्पीड बढ़ा देगा, हमें नहीं पता, वी डोंट नो राइट। यहाँ पर टाइम कितना है और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करा है वो कितना है एस, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट? यस क्लास, एनी डाउट्स? नो? ओके चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करते हैं। जो बच्चे जिन्होंने कल क्लास नहीं करी थी उनको मैं एक बार रूल रिवाइज करा देता हूँ बेटा। रूल ये होता है बच्चे, देखिए अगर की पावर एन डी लिखा होता है अभी थोड़ी देर में वीडियो क्लियर हो जाएगी बेटा, वेट फॉर सम टाइम। मैं बेटा अभी मैं एक मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है, उस कनेक्टिविटी को ठीक करके मैं एक मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ बेटा आप सबके साथ।